इन सी लैंग्वेज वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर और द कैरेक्टर सेट. ओके, एवरीथिंग इन सी लैंग्वेज वी आर यूजिंग ऑल द अल्फाबेट्स, स्पेशल सिंबल, वाइट स्पेसेस, ऑल आर कैरेक्टर एंड द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड द कैरेक्टर सेट. ओके, कैरेक्टर सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स. दैट्स वाई वी आर सेइंग लाइक एवरी अदर लैंग्वेज सी also has its own character set. Okay, C is a basic language, it is a mother language. Okay, after then all the languages also using the set of characters. It is nothing, it is the collection of characters, it is a collection of letters, numbers, special symbol, void spaces, okay, blank spaces. These are called the character set. A program is a set of instructions. As we know, we are making the programs, okay, and this program is called the set of instructions because instructions means by which we are gaining the knowledge. Okay, मतलब जिससे हमें कुछ output मिल रहा है, कुछ knowledge मिल रही है, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल रहा है उस प्रोग्रामिंग का. एज लाइक हमने एक प्रोग्राम बनाया कि हमें एक नंबर को एंटर कराना है, इनपुट कराना है और उसको प्रिंट कराना है, तो हम बाय यूजिंग द कंप्यूटर इस काम को कर पा रहे हैं, है ना. तो कुछ ना कुछ हमको आउटपुट निकल रहा है, कुछ ना कुछ गेन हो रहा है, नॉलेज मिल रही है. इसलिए हम क्या कहते हैं, जो हम सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है. पहले सेट ऑफ कैरेक्टर्स बने, देन इंस्ट्रक्शन बने, और बाय यूजिंग द इंस्ट्रक्शन हमारा एक प्रोग्राम बन गया है. ओके, तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द कैरेक्टर सेट. लाइक एवरी अदर लैंग्वेज सी आल्सो हैज इट्स ओन कैरेक्टर सेट. ए प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड जनरेट एन आउटपुट. और जब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम को बना देते हैं तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन हम एग्जीक्यूट कराते हैं, पहले कंपाइल कराते हैं, ऑल्ट F9 की प्रेस करते हैं, देन कंट्रोल F9 की प्रेस करते हैं, एग्जीक्यूट हो जाता है प्रोग्राम. उसके बाद ब्लैक स्क्रीन पे हमको आउटपुट मिल जाता है. ओके, द डेटा दैट इज प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ सिंबल्स. और ये जो हम डेटा यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, ओके, और जब ये प्रोसेसिंग हो रही है तो ये क्या क्या कंसिस्ट करके रख रहा है, ये वेरियस कैरेक्टर्स को कंसिस्ट करके रख रहा है, वेरियस सिंबल्स को कंसिस्ट करके रख रहा है. ओके, एज लाइक स्टार्टिंग ही हम किससे करते हैं, हैश, जो कि एक स्पेशल सिंबल है, देन INCLUDE इंक्लूड लिखते हैं, देन हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं एज लाइक stdio.h लिखते हैं, अगेन इन सेकेंड लाइन वी राइट हैश इंक्लूड conio.h, देन मेन फंक्शन void मेन फंक्शन. ओके, तो ये सब क्या है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है ना, यानी कैरेक्टर्स है और सिंबल्स हैं. ओके, द आउटपुट जनरेटेड इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स. और जो आउटपुट भी हमको मिलता है ब्लैक स्क्रीन पे, वो भी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर और सिंबल्स है. ओके, दैट्स वाई वी आर सेइंग ए कैरेक्टर सेट इन सी इज डिवाइडेड इंटू, जो कैरेक्टर सेट हम सी में यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग वी आर यूजिंग स्टार्टिंग फ्रॉम हैश. ओके, देन इंक्लूड वी आर राइटिंग. ओके, देन इंक्लूडिंग द हेडर फाइल्स बिटवीन द एंगल ब्रैकेट्स, देन वी राइट stdio.h. ओके, तो ये जो भी हम यूज कर रहे हैं, ये क्या है, कैरेक्टर्स है, और इनका कलेक्शन ही क्या है, कैरेक्टर सेट. इनको डिवाइड हम किस प्रकार से कर सकते हैं, सी इज डिवाइडेड इनटू लेटर्स, है ना, लेटर्स यानी अल्फाबेट्स, ABCD, ये कैपिटल लेटर में भी हो सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी, नंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स यानी 1, 2, 3, 4 हम इनपुट भी कराते हैं ना, कुछ डिजिट हमको इनपुट करानी है, स्पेशल कैरेक्टर्स एज लाइक हैश हम यूज कर रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर. ओके, कॉलन यूज करते हैं आप, टर्मिनेटर ऑपरेटर यूज करते हो, वाइट स्पेसेस यानी स्पेस बार हम यूज करते हैं.
ओके, बैक स्लैश एन हम यूज करते हैं, राइट? तो दीज ऑल आर कैरेक्टर सेट्स, दीज ऑल आर कैरेक्टर सेट्स, दैट्स वाई वी से सी लैंग्वेज एज लाइक मदर लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, इन विच वी यूज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर सेट और द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आफ्टर द एग्जीक्यूशन व्हेन वी गेट द आउटपुट देन आल्सो वी गेट द सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ओके?